नमस्कार भैया, आपका क्या नाम भैया? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, कहाँ से हैं भैया आप? कुकरा गांव से, मलिहाबाद के कुकरा गांव से हैं आप। तो आप भैया लहसुन की खेती कर रहे हैं जी, तो ये लहसुन में आपके कोई दिक्कत है इस समय आपको नजर आ रही है? ये जो पीला वाला झुलसा है, अच्छा ये? अच्छा, ये चीज है, ये जो है, किसान भाइयों इनका कहना है ये जो लहसुन का पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर देखिए सबसे ऊपरी सिरे पर जो है ये पीलापन है किसान भाइयों। तो आप इसके लिए कोई दवा डाले भी? अभी तक नहीं डाले हैं, अभी तो नहीं डाले हैं। किसान भाइयों इनका कहना है कि इन्होंने अभी इस लहसुन की फसल में पीलेपन की कोई दवा नहीं डाली है। किसान भाइयों आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी लहसुन की फसल है और व्यापारिक रूप से इसकी खेती कर रहे हैं, तो किसान भाइयों आपको ये निरंतर अपनी फसलों को ध्यान रखना है कि इसमें कोई रोग बीमारी न लग जाए। किसान भाइयों मैं आपको और ये भैया जी को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें कौन सी दवा डालकर इसका बचाव आप कर सकते हैं, जिससे आपकी ये पीलापन ख़त्म हो जाए और फसल आपकी स्वस्थ हरी भरी और इसके जो कंद हैं वो एकदम परिपूर्ण रूप से आए। किसान भाइयों इसके लिए आपको बायर कंपनी का जो कि नेटिवो आता है, नेटिवो के नाम से जो दवा आती है, इसका 10 से 12 ग्राम प्रति टंकी यानी कि प्रति 15 लीटर इसका घोल बनाकर आप खड़ी फसल पर छिड़काव करने से ये रोग किसान भाइयों रुक जाता है। किसान भाइयों जिन किसान भाइयों ये दवा थोड़ी जो नेटिवो दवा के बारे में बता रहा हूँ, ये दवा बायर क्रॉप साइंस की आती है। किसान भाइयों ये थोड़ा कास्टली होती है। मैं आपको एक जो किसान भाई बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहे हैं और नेटिवो नहीं डाल सकते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों इस फसल में आप सजेंटा कंपनी का रीडोमिल गोल्ड, 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में, यानी कि एक टंकी पानी, टंकी 18 लीटर की जो आती है उसमें 15 लीटर पानी भरा जाता है, 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में आप घोल बनाकर इसका स्प्रे करें और स्प्रे करने से आपकी जो भी समस्या है, ये जो पीलापन है, ये सही हो जाएगा। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आपको आपके नज़दीकी बीज भंडार या कीटनाशक दवाओं की दुकानों पर आपको नेटिवो अथवा रीडोमिल गोल्ड नहीं मिल पाती है, तो किसान भाइयों आप इसमें सबसे जो अच्छी दवा है, सस्ती भी है, आप इसमें यूपीएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का साफ जिसमें कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब पाया जाता है, किसान भाइयों 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की टंकी में आप इसका घोल बनाकर स्प्रे करें, आप इसका 15 घोल बनाकर धुलाई करें, इसकी धुलाई कहें या छिड़काव कहें, किसान भाइयों इसकी आप जो है हर 7 दिन पर 2 बार आपको करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको यदि किसान भाई आप इसमें दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो आपको सिलिकॉन बेस स्टिकर, जिसको आप देसी भाषा में चिपको कह सकते हैं, ज़रूर मिलाना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों इसकी पत्तियां इतनी चिकनी होती हैं कि कुछ दवाएं तो इसकी पत्तियों पर रुकती हैं और कुछ भाग दवाओं का नीचे ज़मीन में गिर जाता है, जिससे कि फसलों को भरपूर मात्रा में उनकी दवाएँ नहीं मिल पाती हैं, जिससे फसलों में इसका सुधार धीरे धीरे होता है। यदि आप चिपको यानी कि आप सिलिकॉन बेस स्टिकर, जैसे बिल्लो वुड कंपनी का बिलकान के नाम से, धानका कंपनी का सिडबिट के नाम से, इंडोस्विस कंपनी का बेट के नाम से आता है, किसान भाइयों आपके नज़दीकी कीटनाशक की दुकानों पर मिल जाएगा, इसका आप जो है 5 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इससे आपकी जो दवा है वो पौधे के पत्तियों पर अथवा पौधे के पूरे भाग में जो चिपक जाएगी और पूरी तरह से पूर्णतया ये दवा पूरी पत्तियों में फैल जाती है। किसान भाइयों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।